7 दिन सिर्फ बाकी रह गए हैं नीट के एग्ज़ाम को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेल फिजिक्स। आपको जैसे पता है कि इंडिया के 6 स्टेट्स ने नीट को पोस्टपोन करने की सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पुनर्विचार याचिका जो दायर की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और अब नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को ही होगा। ये तो आपको पता है, लेकिन अब स्टूडेंट्स बड़े थोड़ा सा शॉक्ड हो गए हैं ये, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कैंसिल कर देगा नीट के एग्ज़ाम को, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो एक डर है लोगों के दिल में, और वो डर जायज़ भी है क्योंकि कोरोना वायरस है ही ऐसी महामारी यहाँ पे ये फैल गई है जो, तो इसके बीच में बच्चों का जाना और जा कर के एग्ज़ाम देना, तो बच्चों को लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करेगा देख करके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो अपना डिसीजन है वो भी उनके हिसाब से करेक्ट है, क्योंकि हम एकेडमिक ईयर को तो बेकार नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी हम गलत नहीं कहेंगे, इट इज़ द करेक्ट डिसीजन, क्योंकि कोर्ट हमेशा सही डिसीजन लेता है। तो बच्चों, अभी बच्चों के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में जो सबसे बड़ा डाउट है कि अब हम 7 दिन में क्या करें, क्योंकि मान लो कुछ बच्चों की तो प्रिपरेशन है अच्छे से, लेकिन कुछ बच्चे उसमें बहुत सारे ये सोच रहे थे कि यार नीट पोस्टपोन हो जाएगा और हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, और वो टाइम अभी नहीं मिला और आपके पास अब 7 डेज बाकी हैं, 7 डेज में क्या करना है। तो बेटा, मैं आपको बस सिर्फ 2 चीज़ें बता रहा हूँ, 7 डेज में अच्छे से ये 2 चीज़ें कर लो और आपको नीट में 550 मार्क्स 550 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है कि जो हमारे सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट बना लो, ठीक है, सेलेक्टेड चैप्टर की लिस्ट बना लो। मैं फिजिक्स में आपको सिर्फ बता सकता हूँ क्योंकि जस्ट आई एम अ फिजिक्स टीचर बेटा, तो केमिस्ट्री और बायो के बारे में नहीं बता सकता मैं आपको। फिजिक्स में सिर्फ आप 2 चीज़ें, P1 का जो टॉपिक है यानी जो फर्स्ट पेपर है हमारा, उसमें आप पूरा मैकेनिक्स कर लो। क्या? P1 का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट पेपर फिजिक्स का, उसमें पूरा मैकेनिक्स कर लो, और जो हमारा फिजिक्स का सेकेंड पेपर है बेटा उसमें आप पूरा मॉडर्न फिजिक्स कर लो। तो P1 में आपका मैकेनिक्स हो गया और P2 में आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन अब इन 7 दिनों में हम पूरा का पूरा प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो बेटा सिर्फ आपको ये सेलेक्टेड चैप्टर्स मैंने बताए हैं, इसके आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले याद करो, और 7 दिन में आप फॉर्मूले याद करके सिर्फ और क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे विद अ टाइम लिमिट। विद टाइम लिमिट के साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन पेपर पर डे सॉल्व करोगे, 2 क्वेश्चन पेपर पर डे। आप नीट का जैसे आपने 2010 का पेपर उठाया, पूरा पेपर लेना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, केमिस्ट्री और बायो भी आपको प्रिपेयर करना है, फिजिक्स भी प्रिपेयर करना है, तीनों को प्रिपेयर करके आपने 2010 का पेपर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2010 का पेपर उठाया आपने, और पेपर उठा के 3 घंटे आपने घड़ी में देख के टाइम सेट किया, उस 3 घंटे में आपको उठना नहीं है, पानी के लिए नहीं जाना है, किसी भी चीज़ के लिए नहीं जाना है, बॉटल लगे तो साथ में रखो नहीं तो वो भी मत रखो, ठीक है। तो ये आपको 3 घंटे टाइम सेट करके आपको पेपर सॉल्व करना है, दिन में 2 पेपर पर डे सॉल्व करने हैं, तो बेटा 7 दिन में आपके 14 पेपर सॉल्व हो जाएंगे। 14 पेपर्स आपके जब सॉल्व हो गए, और आपको कंडीशन अप्लाई है, ये पेपर सॉल्व करने से पहले आपके फॉर्मूले पहले से याद होने चाहिए, फॉर्मूले जस्ट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, आपकी जबान की नोक पे होने चाहिए बेटा, है ना। जब आपको ये फॉर्मूले याद हैं और आपने 14 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लिए 7 दिन में, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपकी पहले से होगी ही, है ना, तो आप जो हो नीट में 550 मार्क्स आराम से ले सकते हो। फिजिक्स में आप मोर देन 100 मार्क्स तो आपको कैसे भी आ जाएंगे, अगर आपने सिर्फ P1 का मैकेनिक्स और P2 का मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया तो 100 से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं आपके, लेकिन 100 से कम तो किसी कीमत पे नहीं आएंगे, सिर्फ ये 2 के बेस पर, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे करो, सिर्फ आपको 2 काम करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं, और फॉर्मूले याद करने के बाद आपको 2 क्वेश्चन पेपर टाइम लिमिट के साथ डेली सॉल्व करना है। तो आप 7 दिन में 14 क्वेश्चन पेपर, 14 साल के क्वेश्चन, 14-15 साल के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको बेटा अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।